स्टूडेंट, दिस इज संदीप आनंद फ्रॉम प्लाज्मा फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आज के दिन 11th का न्यू बैच ऑन यूट्यूब स्टार्ट होने जा रहा है। आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम अब न्यू वीडियो का अपडेट मिलते चले जाए। आज हम लोग सिर्फ सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे और कल से हम लोग वीडियो जो आपका है फर्स्ट चैप्टर का वो अपलोड हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग सब देखते चले जाएंगे। हर बुक में देखिएगा कि बहुत सारा चैप्टर है। हम यहाँ कितना लिखे हैं, 19, तो किसी बुक में देखिएगा 25, तो किसी बुक में देखिएगा 15 ही है। तो वो सब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जितना बताया है यही आपको 11th में पढ़ना है। बस क्या है कि बहुत सारा चैप्टर एक ही चैप्टर में दिया हुआ है। जैसे कि देखिए, यहाँ जो दो चैप्टर है 18 और 19, इसमें बहुत सारा चैप्टर है। जैसे हीट ट्रांसफॉर्मेशन, टेम्परेचर, लेटेंट हीट, ये सब इसमें पढ़ना है। जैसे इसी में हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी देखना है, उसके वेव एंड ऑसिलेशन में। तो बहुत सारा चैप्टर हमें इसमें डिस्कशन करना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेनली आपको 19 चैप्टर का स्टडी करना है, जिसमें दो चैप्टर में बहुत सारा चैप्टर हमें देखना पड़ेगा। तो मेनली जो है हम लोग एक नंबर से स्टार्ट करेंगे कल। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप लोग एक बात दिमाग में रखिएगा कि ये जो हम इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रहे हैं, तो जो बच्चे दोनों मीडियम में यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको, और ध्यान से सिर्फ आप लोग लिखते जाइएगा। इंग्लिश वाले बच्चे को मन करे तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं सिर्फ हिंदी लिखिएगा, और जो दोनों मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, दोनों मीडियम में इंटरेस्टेड हैं, वो दोनों मीडियम को लिख सकते हैं। तो आपको दोनों मीडियम में यहाँ पढ़ाई मिलेगा। एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो आपका यहाँ जो पढ़ाई फिजिक्स का 11th का या 12th का दिया जा रहा है, ये सभी बोर्ड के लिए अप्लाई है, सभी बोर्ड में आपके लिए काम आएगा, चाहे वो CBSE हो, SSC हो, बिहार बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सबके लिए ये अप्लाई होगा और वहाँ पर सबके लिए काम में आएगा। इसके लिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी स्टेट बोर्ड जो है NCERT को फॉलो करता है और हम लोग जो है NCERT को ही मेनली लेके बेसिक चलेंगे, और उसी पे थोड़ा हम लोग लार्ज में जाएंगे। जी, मेंस, एडवांस सबका भी न्यूमेरिकल हम लोग प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कल से हम लोग चैप्टर टू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, मतलब फिजिक्स के बारे में इसमें हमको पढ़ना है कि फिजिक्स का वर्ल्ड कैसा है, फिजिक्स में क्या क्या हमें देखना है, फिजिक्स की दुनिया कैसा है, ये सब के बारे में हमें स्टडी करना है। सेकेंड चैप्टर हम लोग लिखे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मात्रक और विमा। ओके, थर्ड नंबर है एरर्स इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर, मापन में त्रुटियां एवं सार्थक अंक, ये थर्ड चैप्टर है। फोर्थ नंबर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसी को हम लोग सेकेंड नंबर बोलते हैं, वन डायमेंशन मोशन। क्या बोलते हैं? वन डायमेंशन मोशन। तो आप यहाँ ब्रैकेट में एक चीज लिख सकते हैं, अगर मन करे तो 1D मोशन, 1D मोशन भी लिख सकते हैं। तो जिसका हिंदी में है सरल रेखा में गति, या हम लोग इसको बोलते हैं एक विमीय गति। फिफ्थ नंबर हमें जो पढ़ना है वेक्टर, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, हमें जो है फोर्थ नंबर में वेक्टर पढ़ना है। फिफ्थ नंबर में पढ़ना है
तो हमें फोर्थ चैप्टर क्या पढ़ना है, वेक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश, ये आप लोग नाइन्थ में पढ़े होंगे। फिफ्थ नंबर हमें देखना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या इसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा में गति या एक विमीय गति। सिक्स्थ नंबर है मोशन इन प्लेन, या हम लोग बोल सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं समतल में गति या दो विमीय गति। सेवन्थ नंबर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स का 33 लॉ पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूटन के गति का नियम। एट्थ नंबर आपको पढ़ना है फ्रिक्शन, क्या पढ़ना है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में को हिंदी में बोलते हैं हम लोग घर्षण। नाइन्थ नंबर सर्कुलर मोशन, जिसे हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। टेंथ नंबर आपको पढ़ना है वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति। ये आपको अलेवेंथ नंबर पढ़ना है ग्रेविटेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। ट्वेल्थ नंबर पढ़ना है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, या हम लोग द्रव्यमान का केंद्र भी लिखते हैं। रोटेशनल मोशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घूर्णन गति, इसी में हमें पढ़ना है रोटेशनल मोशन में ही हमको पढ़ना मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। 14th नंबर हो गया इलास्टिसिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यास्थता। 15th नंबर है फ्लूइड ऑफ प्रेशर, तरल दाब। 16th नंबर है विस्कोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग श्यानता। 17th नंबर है मेरा सरफेस टेंशन, घूर्णन गति। 18th नंबर है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, उष्मा और उष्मा गति की। और 19th नंबर है आपका ऑस्किलेशन एंड वेव्स, जिसको बोलते हैं दोलन और तरंगे। तो ये आपको चैप्टर इसमें स्टडी करना है अलेवेंथ में। लग रहा होगा जो बच्चे नाइन्थ और टेंथ फिजिक्स पढ़े हैं या स्टडी किए हैं, तो उनको लग रहा होगा कि सर जो डिस्कशन कर रहे हैं लगभग टॉपिक नाइन्थ से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने नाइन्थ में फिजिक्स पढ़ा है उसी का एक लार्ज रूप, उसका बड़ा फॉर्म में हम पढ़ेंगे अलेवेंथ में। जो आपने नाइन्थ में पढ़ा था उसी का हम लोग एक बड़े फॉर्म में हम लोग स्टडी करेंगे अलेवेंथ में। जैसे कि हम लोग वेक्टर पढ़े थे, जो आपको याद है, जो ज़्यादा बच्चे को याद रहता है, जिसको हम लोग सदिश बोलते हैं, तो मुश्किल से आप लोग 15 या 20 लाइन तक में वेक्टर का डिस्कशन या वेक्टर का क्लास, जिसको सदिश का क्लास क्लियर हो गया होगा, या एक पेज मुश्किल से आपको टीचर पढ़ाए होंगे। लेकिन जब आप अलेवेंथ में पढ़िएगा, जब आपको हम पढ़ाएंगे, तो वेक्टर में कम से कम 10-15 लेक्चर जाएगा, 15 क्लास लमसम आपको सिर्फ किस में लग जाएगा, वेक्टर में। तो ये सब बात को देखना है, मतलब ये जो आपने नाइन्थ में फिजिक्स पढ़ा है, स्टडी किया है, तो उससे आप समझ लीजिए कम से कम 50 टाइम्स ज़्यादा आपको स्टडी करना है अलेवेंथ में। तो ये सब आपको दिमाग में रखना है। तो ये सब थोड़ा 50 टाइम्स मतलब 50 गुना अधिक पढ़ना है आपको अलेवेंथ में। तो ये सब ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। डेली आपका वीडियो आएगा, संडे को वीडियो नहीं आएगा, और जिस दिन क्लास नहीं होगा उस दिन आपको अपडेट मिल जाएगा, क्लास नहीं होगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान से डेली बाय डेली लेक्चर का वीडियो, लेक्चर जो भी आएगा उसको लिखते जाइएगा। और जब ऑफलाइन क्लास आएगा होगा तो आप लोग ऑफलाइन भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं प्लाज्मा फिजिक्स क्लासेस में, ओके। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। तो कल आप लोग कॉपी में इसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आज कल लिखिएगा। क्या पढ़ाएंगे आपको, फिजिकल वर्ल्ड, ये सिलेबस है अलेवेंथ क्लास का। और आज फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट कॉपी के फर्स्ट पेज में इसको लिखिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओके।